नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमसीडी पीआरटी पर केस हो चुका है और आज पहली तारीख थी, और तारीख में क्या हुआ है कि कोर्ट ने डीएसएसबी को जवाब देने के लिए कहा है, उनके पास नोटिस पहुँचा दी गई है और अगली तारीख तक जो अगली हियरिंग है उसमें डीएसएसबी को जवाब देना होगा। इसके बाद अभी काफ़ी साथियों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आए थे, तो उनके क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन उनके माइंड में है। एक क्वेश्चन है कि क्या स्टे लगा है, सेकंड है कि क्या भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी, थर्ड है कि क्या रिजल्ट आ सकता है, और ऐसे मतलब कई क्वेश्चन हैं। तो इन सभी के मैं एक एक करके आपको जवाब देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डीओई का एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, उसकी आंसर की आ चुकी है। आप डीएसएसबी की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके लॉगिन करके आप देख सकते हैं, और हालांकि जो डैशबोर्ड है उसमें भी आपको दिख जाएगा। इसके बाद जो एमसीडी पीआरटी है 13 को जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आ चुकी है। हालांकि जिन्होंने चैलेंज किया है उनकी ही प्रोफाइल में वो ओपन होगा कि हाँ आपका जो चैलेंज है एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो अभी आप 13 वाली आंसर की है वो तो आप, अगर आपने चैलेंज किया है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा। तो गाइज, इसके बाद जो क्वेश्चन है हम बात करते हैं, सबसे पहले बात होती है स्टे की। तो गाइज, स्टे की बात मैं आपको बता देता हूं, जितना मुझे सोर्सेस से पता चल पाया है उसके अकॉर्डिंग अभी स्टे नहीं लगा है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जो मैंने लास्ट 2 वीडियोज डाली हैं तो उसमें जो भूप सिंह है जिन्होंने केस किया था, उनके कमेंट्स भी आए हैं और वो बोल रहे हैं कि आधी अधूरी आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की, उनको टेक्स्ट भी किया वहाँ पे कमेंट में ही, लेकिन उनका कोई अभी रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। हालांकि वो अभी दूरी बना रहे हैं, वो शायद पब्लिक को बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो अभी मुझे पता चला है सोर्सेज से तो कोई अभी स्टे नहीं है। नेक्स्ट हियरिंग 16 को है, मतलब 16 जनवरी को नेक्स्ट हियरिंग है, और उस नेक्स्ट हियरिंग में डीएसएसबी को जवाब देना है, मतलब अपना उनको पक्ष रखना है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आने की संभावना बहुत जल्दी की है, उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट आ सकता है, हो सकता है कि 20 से पहले रिजल्ट आ जाए, और जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकता है। इसके बाद अभी एक साथी का मेरे पास कमेंट आया था कि अगर रिजल्ट आ गया और केस चलता रहा तो क्या वो रिजल्ट वैलिड होगा या नहीं होगा, कुछ ऐसे उनका क्वेश्चन था। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ऐसी काफ़ी भर्ती हैं जिन पे केस चलता रहता है और वो भर्ती क्लियर हो जाती है, ज्वाइनिंग भी मिल जाती है, तो आप ये टेंशन ना लें। हालांकि जो केस है इसका कोई इतना बड़ा आधार नहीं है, हालांकि मैंने वोट भी कराए थे काफ़ी फ्रेंड्स के, मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन डाला था कि क्या आप जो एमसीडी पीआरटी पर केस हुआ है क्या आप उससे खुश है या नहीं है, तो उसका मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूं आपको। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो मैंने क्वेश्चन डाला था क्या आप एमसीडी पीआरटी पर हुए केस से खुश हैं, तो 202 वोट्स इस पे आए हैं, और इनमें से 23% लोग बोलते हैं कि वो खुश हैं, और 75% बोलते हैं कि नो, और 2% ऐसे हैं जो 50-50 हैं। तो इससे साबित होता है कि जो केस हुआ है उससे 75% खुश नहीं है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, मैं किसी ऐसे पक्ष में नहीं हूं कि मैं ये चाहता हूं कि उनका नुकसान हो या उनका फायदा हो, नहीं, मैं ये चाहता हूं कि सभी को बेनिफिट मिले, और ये नहीं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि केस करके हम कितने भी मार्क्स ले लें, नहीं, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस बंदे ने मेहनत करी है वो बिल्कुल परेशान होगा इससे कि एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि केस हो गया है, तो बहुत सारे ऐसे बंदे जिन्होंने मेहनत करी है और वो परेशान हो रहे होंगे। तो दोस्तों, ये आप बिल्कुल भूल जाएं कि एग्जाम कैंसिल होगा,
मुझे नहीं लगता कि एग्जाम कैंसिल होगा। अगर 1% आपका लक बिल्कुल खराब है तो एग्जाम कैंसिल हो गया मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एग्जाम किसी भी एंगल में कैंसिल होने वाला है। और रही बात केस की, तो जहां तक है केस, डीएसएसबी अपना पक्ष रखेगा 16 जनवरी को जो उनकी तारीख है, और उससे आपको अपडेट करा दिया जाएगा, और बीच में भी अगर कोई हमें अपडेट मिलती है तो वो भी आपको बता दी जाएगी। तो 16 तारीख को जो अपडेट होगी उससे पता चल जाएगा कि केस कितना लंबा जा सकता है। हालांकि जो अभी संभावना है, मुझे नहीं लगता कि केस ज़्यादा लंबा जाएगा, क्योंकि इसका इतना बड़ा आधार नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, उसका इतना था, तो उसका सॉल्यूशन होता है नॉर्मलाइजेशन। और इस एंगल पे क्या है कि डीएसएसबी सीधा बोल देगा कि हाँ हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे और इस शिफ्ट को इतना बेनिफिट दे देंगे। रही बात रिपीटेड क्वेश्चन की, तो वो डिलीट करेंगे, और इसके बाद जिन शिफ्ट के ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होंगे तो उसको थोड़ा बेनिफिट अलग से दिया जा सकता है। तो दोस्तों अभी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद भूप सिंह जी जिन्होंने केस किया है, नितिन और अदर्स में वो हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों केस में क्या था। जो मुझे सुनने में मिला है और जो सोर्सेज से पता चला है कि 30 वाले जो 30 वाले हैं उन्होंने क्या केस किया है कि उनकी जो शिफ्ट है उसमें NIOS से क्वेश्चन आए, लेकिन बाद में और शिफ्ट को पता चल गया है। 28 वालों ने क्या कहा है कि जो उनकी शिफ्ट है उसमें से क्वेश्चन काट लिए गए हैं। अब इनमें क्या है कि 28 वाले और 30 वाले, 30 वाले बोल रहे हैं कि बाद में उनको पता चल गया है, 28 वाले बोल रहे हैं कि उनकी शिफ्ट में से ज़्यादा नंबर कट गए हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई अलग और उनकी बहुत सारी डिमांड होगी, और अगर कोई और डिमांड है तो वो भाई साहब आप खुद बता दें एक बार कमेंट करके, मैंने तो आपसे मैसेज भी किया था। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि 13 और 14 वालों की कोई अलग उसमें डिमांड होगी। 28 और 30 वालों का ये मेनली केस है, 13 और 14 वालों की कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें डिमांड होगी। अगर आपको लगता है कि 13 और 14 वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप बताइए हमें, हम भी वो पब्लिक के सामने जो हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं हम भी उनको बताना चाहेंगे। तो जो भी है देखते हैं क्या होता है, लेकिन भूप सिंह जी आप ये जो चीज़ें हमें क्लियर बताएं एक बार, और जितना हमें सोर्सेज से पता चल पाता है। और मुझे नहीं लगता जो आपने शायद बोला था कि कुछ स्टे लगा है, अगर स्टे लगा तो आप हमें उस चीज़ की कॉपी दिखाएं। हाँ स्टे लगा है, जिससे हम अपने दर्शकों को अपने साथियों को बता सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने व्यूज जरूर दें, और आपके क्या विचार हैं, आप क्या चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। तो गाइस गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, और आने वाली अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।